दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube के प्रीमियम को लेके दिखाने वाला हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसी को लेकर के YouTube ने एक ऑफर लॉन्च किया था जिसके अंदर हमें YouTube के प्रीमियम को बिल्कुल फ्री में 3 महीने तक के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों अगर आप YouTube के प्रीमियम को लेते हैं तो इसके अंदर आपको कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप YouTube पे कोई भी वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को देखने के दौरान आपको कोई भी एडवर्टाइज वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप ऑफलाइन वीडियो को देख पाएंगे। साथ में ही अगर आपका जो मोबाइल है वो स्क्रीन लॉक हो जाता है तब भी आपका जो यूट्यूब म्यूज़िक है वो आपके बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, जिससे कि आप यूट्यूब म्यूज़िक को एंजॉय कर पाएंगे। यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप लेने से यूट्यूब की मेंबरशिप कैंसिल करने तक की कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों YouTube प्रीमियम के सब्सक्रिप्शन को फ्री में लेने के लिए सबसे पहले आपको YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको ऊपर आपका जो प्रोफाइल का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आएगा गेट YouTube प्रीमियम का, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों अगर आप YouTube प्रीमियम लेते हैं तो उसके जो भी बेनिफिट हैं वो आपके सामने यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप YouTube प्रीमियम ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम कर पाएंगे बिना ऐड के, यानी कि जब भी आप YouTube पे स्ट्रीमिंग करेंगे तो उसके ऊपर आपको ऐड शो नहीं होंगे। और इसी के साथ में दोस्तों आप ऑफलाइन और आप अगर अपने मोबाइल को स्क्रीन लॉक कर देते हैं तब भी आपका जो YouTube म्यूज़िक है वो बैकग्राउंड में रन करता रहेगा, जिससे कि आपका जो YouTube म्यूज़िक है वो आप सुन पाएंगे आफ्टर योर मोबाइल लॉकिंग। तो दोस्तों इसी के नीचे आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, इसकी जो छोटी सी टर्म एंड कंडीशन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ये जो ट्रायल है वो है 3 मंथ का फ्री ट्रायल। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी आज़ादी के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, सो इसी के लिए यहाँ पे जो ऑफ़र है वो दिया गया है। और ये जो ऑफ़र है दोस्तों केवल 31 अगस्त तक रहने वाला है, सो 31 अगस्त से पहले ही आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल को ले लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका जो फ्री ट्रायल है वो एंड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको पर मंथ देने होंगे 129 रुपीज़, यानी कि 129 रुपये। और इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे आपका जो फ्री ट्रायल एंड होने वाला होगा तो उससे 7 दिन पहले ही आपको रिमाइंड कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका जो फ्री ट्रायल है वो एंड होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे 3 मंथ फ्री ट्रायल को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 मंथ फ्री का जो ब्लू कलर में ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में सब्सक्रिप्शन प्लान के नीचे ही आपको मंथली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, उसी के साथ में आपको 3 मंथ फ्री का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube प्रीमियम फीचर है वो आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डे फ्री ट्रायल देखने के लिए मिल रहा है। आफ्टर फ्री ट्रायल यहाँ पे आपको देना होगा 129 रुपीज़ और हमारा जो फ्री ट्रायल है वो एंड होगा 23 नवंबर 2022 को। सब दोस्तों इससे पहले मैंने यहाँ पे पेमेंट मेथड में अपने पेटीएम द्वारा दिए गए डेबिट वीज़ा कार्ड की डिटेल को एंटर किया था, मगर मेरा जो वीज़ा कार्ड है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इस वीज़ा कार्ड में ऑटो पेमेंट का फीचर नहीं है। तो अब इसके बाद में मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड को दूसरा तरीका देखने वाला हूँ, यानी कि दूसरे डेबिट कार्ड की डिटेल को एंटर करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि वो अप्रूव होता है या फिर नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद में हमारे सामने आ जाता है ऐड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, जिसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और करने के बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे अपने एक्सिस बैंक द्वारा दिए गए डेबिट कार्ड की डिटेल को एंटर करने वाला हूँ। देखते हैं कि वो डेबिट कार्ड मेरा जो है वो अप्रूव होता है या फिर नहीं। डेबिट कार्ड की डिटेल को एंटर करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, पिन कोड वगैरह यहाँ पे फिलअप करना होता है, जो कि मैं यहाँ पे फिलअप कर दिया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आप यहाँ पे पेमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं। इसके बाद में आपको अपने जो डेबिट कार्ड जो यहाँ पे आपने सेव किया है उसे वेरीफाई करना होता है। सो वेरीफाई करने के लिए आपको अपने डेबिट कार्ड का जो CVV नंबर होता है उसे यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके बैंक से रजिस्टर आपके मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिलेगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद में दोस्तों मेरी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है। और अब यहाँ पे आपको परचेज करने के लिए ऑथेंटिकेशन करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो यस ऑलवेज का, यानी कि हमेशा के लिए, या फिर आप सेकेंड ऑप्शन को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं नो थैंक्स।
सो इसलिए मैं यहाँ पे नो थैंक्स का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सक्सेसफुली मैंने YouTube प्रीमियम को सब्सक्राइब कर लिया है। तो YouTube प्रीमियम लेने के बाद में आपको दोबारा से आना है YouTube पर, आपको अपनी प्रोफाइल का जो आइकन है इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पे जो पहले हमें ऑप्शन आ रहा था गेट प्रीमियम का, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कुछ अलग ही ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक पी का आइकन देखने के लिए मिलता है जिसका मतलब है कि प्रीमियम। सो अब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि योर प्रीमियम बेनिफिट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको कुछ अलग ही इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। YouTube प्रीमियम लेने के बाद में जितने भी बेनिफिट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो अब दोस्तों 3 महीने बाद जब भी आपका जो फ्री ट्रायल है वो एंड होने वाला होगा तो उसको आपको कैसे कैंसिल करना है, यानी कि आपको YouTube की प्रीमियम मेंबरशिप कैसे कैंसिल करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। YouTube की प्रीमियम मेंबरशिप को कैंसिल करने के लिए आपको एकदम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, नीचे ही नीचे आपको यहाँ पे मैनेज योर मेंबरशिप का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है ब्लू कलर में, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे एक ऑप्शन है प्रीमियम का जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों YouTube प्रीमियम का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ चुका है और यहीं पे ही आपको यहाँ पे कैंसिल मेंबरशिप का जो ऑप्शन है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कन्फर्म करना है जिससे कि आपकी जो YouTube प्रीमियम मेंबरशिप है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो फिलहाल तो मैं ऐसा यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 महीने के लिए फ्री ट्रायल लिया है जिसे मैं यहाँ पे पूरा इन्जॉय करने वाला हूँ। अगर आपने भी YouTube प्रीमियम की मेंबरशिप को ले रखा है तो वो कब एंड होने वाली है वो भी तारीख यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन की गई है। मेरा जो YouTube प्रीमियम है वो होगा 23 नवंबर 2022 को, तो उससे पहले मुझे यहाँ पे 7 दिन पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर मैं अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप मेंबरशिप को कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पेमेंट है वो 3 महीने बाद में नहीं कटेगी 129 रुपीज़, यानी कि 129 रुपये। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है या फिर किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है जो कि ऑटो पेमेंट को सपोर्ट करता है तो आप भी यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप को ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।